एक ऐसा मंदिर जहां भगवान को दूध नहीं बल्कि शराब चढ़ाई जाती है और फूल की जगह भस्म चढ़ाई जाती है। और क्यों इस मंदिर में कोई भी प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री रात नहीं गुजारता? दोस्तों, भारत के मध्य प्रदेश राज्य के उज्जैन में स्थित महाकालेश्वर मंदिर शुक्र जी के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है। पौराणिक ग्रंथों में इस मंदिर का वर्णन काफी सुंदर तरीके से मिलता है। यहां भगवान शिव के दर्शन के लिए पूरे साल भक्तों का सैलाब उमड़ता है। लेकिन क्या आपको पता है कि इस मंदिर के कुछ ऐसे अनजाने रहस्य हैं जिनके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं? भगवान शिव के इस ज्योतिर्लिंग का श्रृंगार भस्म और भांग से किया जाता है। ये भस्म आरती पूरे विश्व में प्रसिद्ध है और इसे महाकाल इसलिए कहा जाता है क्योंकि प्राचीन समय में यहीं से संपूर्ण विश्व का मानक समय निर्धारित होता था, जिस वजह से इस ज्योतिर्लिंग का नाम महाकालेश्वर रखा गया। पुराणों के समय अवंतिका यानी उज्जैन महादेव को काफी प्रिय था। एक समय की बात है जब अवंतिका नगरी में एक ब्राह्मण रहा करता था जिसके 4 पुत्र थे। वहाँ पर दूषण नाम के एक राक्षस ने आतंक मचा रखा था और नगर के सभी वासियों को पीड़ा देने लगा था। उस राक्षस के आतंक से बचने के लिए उस ब्राह्मण ने शिवजी की पूजा आराधना शुरू कर दी, जिसके बाद ब्राह्मण की तपस्या से खुश होकर भगवान धरती फाड़कर महाकाल के रूप में यहां प्रकट हुए और राक्षस का वध करके नगर की रक्षा की। यही कारण था कि नगर के सभी श्रद्धालु ने भोलेनाथ से उसी स्थान पर रहने की प्रार्थना की। भक्तों की प्रार्थना स्वीकार करते हुए महादेव अवंतिका में ही महाकाल ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हो गए। तब से ही यहां ऐसा माना जाता है कि जो यहां हो रहे आरती में शामिल हो जाता है उसके सारे कष्ट दूर हो जाते हैं और इसके बिना महाकाल के दर्शन पूरे नहीं माने जाते। दोस्तों, यहां प्रतिदिन महाकाल की भस्म आरती होती है और उसके बाद उनका श्रृंगार किया जाता है। ऐसा करने के लिए सालों पहले शमशान से भस्म लाने की परंपरा थी, लेकिन पिछले कुछ समय में ये परंपरा बदल सी गई है। अब यहां गाय के बने कंडे, शमी, पीपल, पलाश, बाड़, अमलताश और वीड की लकड़ियों को जलाकर तैयार किए गए भस्म को कपड़े से छानने के बाद उपयोग में लाया जाता है। दरअसल भस्म को सृष्टि का सार माना जाता है, इसलिए प्रभु हमेशा इसे धारण किए रहते हैं। इतना ही नहीं, यहाँ पर आरती के वक्त महिलाओं को घूंघट करना पड़ता है क्योंकि महिलाएं इस आरती को नहीं देख सकती। और तो और, इसके साथ पुजारी भी एक ही धोती पहने पूरी आरती को करते हैं। बता दें कि यहाँ ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव जी शमशान के साधक हैं, इस वजह से भस्म को उनका श्रृंगार भूषण माना जाता है। इसी के साथ महाकाल ज्योतिर्लिंग के कुछ ऐसे रहस्य हैं जिनका जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। पहला ये कि महाकाल ज्योतिर्लिंग मंदिर में आरती के लिए बुकिंग ऑनलाइन होती है क्योंकि बिना बुकिंग के भक्त आरती में शामिल नहीं हो सकते। दूसरा ये कि महाकाल मंदिर में दर्शन करने के बाद जूना महाकाल के दर्शन करना आवश्यक है, तभी महाकाल का दर्शन पूरा माना जाता है। और तीसरा, इस ज्योतिर्लिंग को 3 खंडों में बांटा गया है। निचले खंडे में महाकालेश्वर मंदिर स्थापित है, मध्य में ओमकालेश्वर तथा ऊपरी खंड में श्री नागचंद्रेश्वर मंदिर स्थित है। चौथा ये कि ऐसा माना जाता है कि उज्जैन नगरी का सिर्फ एक ही राजा है और वो भी महाकाल बाबा है। ऐसा कहा जाता है कि विक्रमादित्य के शासन के बाद यहाँ किसी भी राजा का शासन नहीं रहा और यहाँ कोई भी राजा रात नहीं रुक सकता। इसके पीछे की मान्यता ये बताई जाती है कि किसी भी बड़े पद में स्थापित व्यक्ति जैसे प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री यहाँ रात नहीं रुक सकते। जिसने भी यहाँ रात रुकने की कोशिश की है उसे परेशानियों को झेलना पड़ा है। और पांचवा ये कि बता दें कि भगवान शिव जी के गर्भगृह में एक विशाल दक्षिणमुखी शिवलिंग स्थापित है और गर्भगृह में नंदी दीप स्थापित है जो हमेशा जलती रहती है।